यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर न्यू गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं आर्क सर्वाइवल। पिछले एपिसोड पे हमने कुछ मिशन वगैरह करके अपना लेवल थोड़ा सा बढ़ा लिया था। अपना लेवल देखते कितना हुआ है, अपना लेवल देखो गाइस 22 हो चुका है। सो आज हम टेम करने जा रहे हैं ट्राइसेराटॉप्स को, क्योंकि ट्राइसेराटॉप्स से हम काफ़ी अच्छा वुड फार्म करा सकते हैं। उसका सैडल भी शायद से अनलॉक हो जाना चाहिए, देखते उसका सैडल कितने लेवल पर मिलता है। तो उसका सैडल गाइस ये रहा 16 लेवल पे मिलता है। मैं इसको अनलॉक कर लेता हूँ, मेरे पास इनग्राम पॉइंट वगैरह तो है काफ़ी सारे, वैसे सारे काफ़ी ज़्यादा नहीं है, देखो ख़त्म हो गया, थोड़ा सा ही था, 7 बचा है बस। और इनग्राम पॉइंट का भाई काफ़ी ज़्यादा नीट होता है, तो जो भी है। बट ये इसका जो सैडल है भाई, इसको बनाने के लिए हमें 140 हाइट चाहिए होगा भाई। हमें इतना तो हाइट मेरे पास है ही नहीं, मुझे शायद से थोड़ा बहुत हंडिंग पे जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं यार, वो तो हम बना लेंगे। और मुझे ये वाला एरो भी बनाना है, ट्रैंक एरो, इससे हमें उसको नॉक डाउन करना पड़ेगा, तभी वो टेम होगा शायद से। लेकिन ट्रैंक एरो बनाने के लिए हमें नार्कोटिक्स भी सबसे पहले बनाना पड़ेगा, और नार्कोटिक्स बनाने के लिए हमें चाहिए होगा ये वाला मोटर एंड पिस्टन। तो मोटर एंड पिस्टन बनाने के लिए जो भी रिसोर्सेज वगैरह चाहिए होता है, स्टोन वगैरह, हाइड वगैरह जो भी है, मैं सबसे पहले निकाल लेता हूँ, फिर बनाते उसके बाद। और से हमें नार्कोटिक्स बनाना पड़ेगा, यहाँ से हाइड वगैरह ले लेता हूँ मैं जो भी है भाई। इधर से भी थोड़ा सा स्टोन था यहाँ पे, यहाँ पे मैंने लास्ट स्टोर इसको बाहर ही ऐसे ही लगा के रख दिया। बाद में जब हम अच्छे से अपने लिए बेस बनाएंगे वुड का, तब हम भाई सारी चीज़ें अच्छे से प्लेस कर देंगे। ओके, तो इसको बनाने के लिए ज़्यादा कुछ सामान चाहिए नहीं, वुड, स्टोन, फाइबर, थेस, बस यही सब कुछ चाहिए था। देखो मैंने क्राउड भी कर लिया है एक, तो इसको प्लेस कर देते हैं अभी। प्लेस कहाँ पे करें, घर के अंदर ही कर दे या बाहर? चलो घर के अंदर ही रहने देते हैं, इधर कॉर्नर पे इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। अब इसको यूज़ करते हैं भाई, कैसे यूज़ करते हैं, चलो खुल गया ये। तो यहाँ पे मुझे डालना पड़ेगा कुछ नार्को बेरीज, तभी बनेगा नार्को टेक्स। नार्को बेरीज यही है ना, काला वाला, हाँ। तो इसको डालते हैं, और इसके साथ हमें डालना पड़ेगा कुछ सरा हुआ मीट। मेरे पास सरा हुआ मीट तो होना तो चाहिए, मैंने कलेक्ट करके रखा था यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे एक मिला, बट एक से ज़्यादा काम बनने वाला है नहीं। बाहर मैंने देखा था काफ़ी सारे, यहाँ से देखते, यहाँ से 11 सरा हुआ मीट मुझे मिल जाती है। और भी है क्या यहाँ पे? नहीं है। तो इस वाले स्टोरेज पे देखता हूँ, इस पे तो भाई बिल्कुल भी नहीं है, तो पूरा खाली है समझ लो। यहाँ पे और भी कुछ नार्को बेरीज वगैरह भी है, इसको भी मुझे चाहिए होगा। ओके, तो देखो मुझे अपने बेस से पूरे के पूरे 23 सारा हुआ मेड मिल चुका है। मैं इसको अपने मोटर एंड पिस्टन के अंदर डाल देता हूँ, बट यहाँ पे तो भाई कुछ भी नहीं आ रहा यार। आ क्यों नहीं रहा यहाँ पे? मैंने तो सब कुछ ही डाल दिया, बेरीज को इस साइड पर रख देता हूँ, फिर भी नहीं आ रहा। नार्कोटिक्स कहाँ है, कैसे बनाता है नार्कोटिक्स? अभी क्या मुझे यूट्यूब पे जाना पड़ेगा दोबारा से देखने के लिए? रुको ज़रा, थोड़ा सा और देखने दो इधर भाई, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ये फाइल जैसा क्या आ रहा है, उस पर क्लिक कर रहा हूँ, फिर भी कुछ नहीं आ रहा। आ क्यों नहीं रहा यार, यहाँ पे तो आ जाना चाहिए था। रुको, यहाँ पे एक सर्च का आइकन है, यहाँ पे ज़रा मैं नार्कोटिक्स लिख के देखूँ क्या? रुक जाओ ज़रा देखते। ओ भाई आ गया गाइस, इसी टाइप से लाना था यार इसको सर्च करके, इसका मतलब और भी शायद काफ़ी टाइप का चीज़ें बनेगा। तो इस पर क्लिक करके अभी क्राफ्ट आइकन, ओ भाई क्राफ्ट आ रहा है दूसरी साइड मेरे बैग पे। चलो कोई बात नहीं, मैं कुछ ये नार्कोटिक्स वगैरह क्राफ्ट कर लेता हूँ, मुझे चाहिए होगा 20-25 नार्कोटिक्स से अपना काम तो बन जाएगा। ऑलराइट गाइस, तो अभी देखो मेरे पास पूरे के पूरे 25 स्ट्रैंग एरो तो बन जाएगा, ऑलरेडी मैंने 3 बना लिया है। और मेरे पास कुछ नार्कोटिक्स वगैरह हैं, 22 नार्कोटिक्स और भी है, इसका भी मैं स्ट्रैंग एरो बना लेता हूँ। एक स्ट्रैंग एरो बनाने के लिए भाई एक नार्कोटिक्स लग रहा है, और एक इससे नॉर्मल एरो लग रहा है। बस ये समझ लो जैसे कि माइनक्राफ्ट पे एरो पे हम पोशन लगाते हैं, ये उसी टाइप का कुछ एक एरो बन जाते हैं। पोशन लगा दिया है हमने बस नॉर्मल एरो पे। मैं चलो भाई जितना भी बनता है सारे के सारे नार्कोटिक्स का यही एरो बना लेता हूँ। ओके, तो मैंने काफ़ी सारे ट्रैंक एरो तो बना लिया है, मुझे थोड़ा सा बायोटॉक्सिक भी चाहिए होगा उसका अनकॉन्शियस लेवल बढ़ाने के लिए। बायोटॉक्सिक गाइस आपको जेलीफिश को किल करने से मिल जाती है, ये रहा बायोटॉक्सिक, मैंने थोड़ा सा यहाँ से उठा लिया है, जितना था उतना ही उठा लिया भाई। मेरे अलग अलग चेस्ट पे और भी रखा हुआ होगा, तो ऐसे मुझे बेरीज भी चाहिए होगा। मैं ऐसे ना कुछ अच्छा सा एक बेरीज उठा लूँगा, तो कौन सा वाला बेरीज उठाए? ऐसे मैंने मेजो बेरीज तो उठा लिया है, मैंने सुना था मेजो बेरीज से डायनासोर वगैरह जल्दी टेम होता है, तो मेजो बेरीज से ही टेम कर लेते हैं। अपने पास बेरीज की तो कोई कमी नहीं है, हर एक टाइप का बेरीज अपने पास अवेलेबल है। मुझे ना गाइस ट्राइसेराटॉप्स को ट्रैप में फंसा के मारना पड़ेगा, वरना वो मुझे मार देगा, तो उसके लिए मुझे ट्रैप भी बनाना पड़ेगा। ट्रैप बनाने के लिए सिंपली मुझे कुछ वॉल वगैरह क्राफ्ट कर लेना पड़ेगा वुडन का। मेरे पास वुडन का भी चीज़ें वगैरह अनलॉक हो चुका है, तो वुडन का ही बनाते हैं ना। थेस का आई थिंक शायद टूट वूट जा सकता है, और थेस में थोड़ा ज़्यादा ही थेस वेस्ट चला जाता है, तो चलो वुड का ही बना लेते हैं। इधर इसके लिए थोड़ा बहुत कुछ रिसोर्सेज वगैरह मैं उठा लेता हूँ सबसे पहले स्टोरेज से।
मैं ये वुडन फेंस फाउंडेशन चार क्राफ्ट कर लेता हूँ, इसी के ऊपर वॉल वगैरह प्लेस कर दूंगा। फालतू में एक बेजल लगा के भाई, उतना बड़ा बेजल, उससे अच्छा वुडन फेंस लगा के सीधा इसके ऊपर वॉल लगा देंगे। ये कुछ क्राफ्ट हो जाने दो, उसके बाद वॉल भी चाहिए होगा मुझे। वॉल में 6 वॉल क्राफ्ट कर लूँगा और 2 डोर, अपना काम बन जाएगा इतने में। डोर नहीं चाहिए, डोर फ्रेम चाहिए भाई, डोर का कोई काम नहीं है हमें। ओके, तो मैंने सारे की सारी चीज़ें वगैरह उठा लिए। अपने बेस के लेफ्ट की तरफ ही कुछ ट्राइसरोट्रॉप्स वगैरह रहते हैं पानी की थोड़ा सा नज़दीक पे, उधर ही चल के देखते भाई। इधर ना काफ़ी सारे ट्राइसरोट्रॉप्स रहता है हमेशा, तो आज भाई उनमें से हम एक को टेम करने वाले। सामने की तरफ ही अपने ट्राइसरोट्रॉप्स है, वैसे आज पता नहीं क्यों एक ही दिख रहा है यहाँ पे, हमेशा तो 3-4 तो रहते ही है इधर। खैर देखते, कोई बात नहीं, एक ही तो दिख, क्या दिक्कत है भाई। तो ये देखो 10 लेवल का ही है। वैसे यार हम, मेरे ख्याल से हमें लो लेवल का ही टेम करना चाहिए, हाई लेवल की टेम करने की अपनी औकात नहीं है अभी। उसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा एरो भी चाहिए होगा और उसको खिलाने के लिए कोई और ही चीज़ चाहिए होगा। अपने पास तो फिलहाल अभी बेरीज ही है, बेरीज से ही इसको टेम करना पड़ेगा। और बेरीज से ना ये काफ़ी ज़्यादा धीरे टेम होता है, अगर हम हाई लेवल वाले को टेम करने जाएंगे तो भाई कुछ ज़्यादा ही धीरे टेम होना स्टार्ट हो जाएगा और उतने देर में तो उसका भाई अनकॉन्शियस लेवल जो है वो ख़त्म ही हो जाएगा। वैसे तो अनकॉन्शियस लेवल को हम बढ़ाने के लिए मैंने लाया था बायोटॉक्सिक, बट भाई हम कितना ज़्यादा भला बायोटॉक्सिक खिलाएंगे। तो जो भी है, सबसे पहले लो लेवल वाले के ही टेम करते हैं। तो मैं ये वुडन फाउंडेशन यहाँ पे लगा देता हूँ, ये छोटे छोटे से होता है देखो, इसके ऊपर हम डायरेक्टली वॉल लगा सकते हैं। बड़ा वाला फाउंडेशन बेजल की कोई ज़रूरत नहीं है इधर। इससे वाले को, लास्ट वाले को मैं सोच रहा हूँ इधर ऐसे करके लगा दूँ, या नॉर्मली ऐसे नॉर्मली लगा देते हैं भाई, ऐसे छोड़ो उसको, नॉर्मली लगा देते हैं। मेरे ख्याल से ये ट्रैप अपना उतना भी कोई खास काम नहीं करने वाला, बट कोई बात नहीं, हमें बस थोड़ा सा हेल्प करेगा। मैं ज़्यादा कोई बड़ा ट्रैप बनाना नहीं चाह रहा, क्योंकि फालतू में भाई सामान वगैरह वेस्ट चला जाएगा। आप चाहो तो इसको बिना ट्रैप का भी शायद से टेम कर सकते हो, तो चलो कोई बात नहीं, मैं इसको बस एक नॉर्मल सा अपने सेफ्टी के लिए बस थोड़ा सा हमें हेल्प हो जाएगा इस ट्रैप से, ज़्यादा हेल्प नहीं होने वाला। अरे भाई वो उधर किधर जा रहा है, पीछे जाना है, ये तो दूसरे साइड पर आ गया यार। भाई उधर जा, अपने ट्रैप के सामने की तरफ जा, ताकि मैं इधर से मार पाऊँ और तू आके यहाँ पे फंस जाएगा। वैसे वो फंसेगा नहीं, वो देखना मुझे यहाँ पे गोल गोल घुमाते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम घूमते रहेंगे। तो अभी अपना बो निकालता हूँ मैं और इसकी एक झपके बजाता हूँ इधर से, डोर के नीचे से चला जाएगा ना यार वो, लग देखते भाई। ओके, तो भाई डैमेज हुआ। ओ भाई अब ये मेरे पीछे पड़ गया है, आ रहा है भाई, कहीं दूसरी साइड से मत आ जाना। ओके, ओ भाई ये तो इधर ही आ रहा है यार, वहीं पर अटका भी नहीं यार, 2 सेकंड के लिए भी नहीं अटका हो, तो सीधा घूम के आ गया। दिमागदार है वैसे, मुझे लगा था नहीं था यार इसके पास दिमाग भी होगा, बट दिमाग है इसके पास अच्छा खासा। चलो कोई बात नहीं, मैं यारों तो इधर से बचाने लग गया। मेरा एक बो टूट गया, बट मैंने अपने लिए एक दूसरा बो भी लाया था, दूसरे बो चलाते, इससे इसको मैं मार दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। मरना नहीं है यार, मारना थोड़ी है हमें इसको, बेहोश करना है। बेहोश हो भी जा, ओ गाइस ये तो बेहोश हो गया यार काफ़ी जल्दी, क्योंकि इसका लेवल कुछ ज़्यादा ही कम था ना इसीलिए। कोई बात नहीं यार, इसको अभी हम दे देते हैं बेरीज वगैरह। यार मैंने यहाँ पे मेजो बेरीज तो डाल दिया, हो रहा है ये टेम होने में ये कुछ ज़्यादा ही टाइम ले लेगा। बायोटॉक्सिक भी मैं इसके अंदर डाल देता हूँ, थोड़ी देर बाद हमें इसको बायोटॉक्सिक खिलाना पड़ेगा, ताकि इसका अनकॉन्शियस लेवल बढ़ जाए। अपने पास जो ये ट्रैंक एरो है ना भाई, ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। अभी देखना ये जो यहाँ पे पैरासोर है, इसको मैं एक हिट पे ही नॉकडाउन कर दूंगा। रुक जाओ, ये पैरासोर काफ़ी ज़्यादा लो लेवल का है, मेरे ख्याल से एक हिट पे तो ये नॉकडाउन हो जाना चाहिए। रुक जाओ, इसके सीधे मत्थे पे बजाऊंगा, ये ले। ओ भाई ये तो सच्ची में हो गया यार, लपट गया वहीं पे, कहीं ये जेलीफिश ना मार दे मुझे। तेरे को भी मार दूँ क्या, एक हिट में तुझे भी मारना है भाई? ये तो मरा ही नहीं यार, चलो 2 हिट बजाता हूँ, फिर भी नहीं मरा। 3, ये बोले 3 खा ले भाई, फिर भी नहीं मरा। चलो मैं वेस्ट नहीं कर रहा भाई, ये एरो वैसे काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है, मैं ऐसे फालतू काम पे वेस्ट कर रहा हूँ इसको। तो अभी बस मुझे इसको ना वो करना है, इसको मतलब इसका मीट वगैरह कलेक्ट करना है भाई। अभी बस जेलीफिश आके मुझे ना मार दे यार, मैं काफ़ी ज़्यादा पानी में तो आ गया हूँ। जेलीफिश किधर है? जेलीफिश उधर ही रहना, मेरे पास बिल्कुल भी मत आना, मैं बहुत ज़्यादा खतरनाक हूँ। खैर इधर अपना ट्राइसेराटॉप्स टेम हो रहा है भाई धीरे धीरे। इसको भाई ये यहाँ पे क्या कर रहा है, पेट्रोडन? भाग जा ऐसे, भाग जा। अरे भाई उड़ जा, चलो इसको तो मैंने भाई भगा दिया, इसको एक हिट मारते ये सब भाग जाता यार। लेकिन ये जो ट्राइसरोट्रॉप्स है ना, इसको गलती से भी मत मारना, ये आपको उड़ा देगा। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली यार काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद अपने ट्राइसरोट्रॉप्स जस्ट टेम होने ही वाला है। रात तो देखो यार काफ़ी ज़्यादा हो गया, कुछ देख भी नहीं रहा ढंग से, मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ फिर भी अपने ट्राइसरोट्रॉप्स के पास में। लो भाई ये टेम हो चुका। ओ भाई क्या ही तो इमोट मार रहा है भाई, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है भाई, देख के ही डर लग रहा है वैसे, बट ये अपना खास दोस्त बन जाएगा अबे इसको ना। ओ भाई इसका हेल्थ इतना ज़्यादा लो क्यों है यार,
इसको थोड़ा सा बेरीज खिला देता हूँ, बट इसका तो हेल्थ बढ़ ही नहीं रहा, इसको खा के काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ रहा है। इस टाइप से तो भाई सुबह से शाम हो जाएगा अगर मैंने इसकी हेल्थ को फुल करने के चक्कर पे। गाइस कमेंट पे ज़रूर बताना है ये क्या चीज़ खाएगा तो इसका जल्दी जल्दी हेल्थ बढ़ जाएगा, ये बात ज़रूर बताना। इसको मैं क्या खिलाऊँ, बेरीज से तो देखो भाई कुछ ज़्यादा ही कम बढ़ रहा है धीरे धीरे, इतनी धीरे धीरे बढ़ रहा है कि क्या ही बताऊँ, 2-3 घंटे लग जाएगा इसकी हेल्थ को फुल करने के लिए। बट फिर भी मैं थोड़ा सा खिला रहा हूँ इसको बेरीज, मेरे पास है तो काफ़ी सारे बेरीज, थोड़ा बहुत खिला देता हूँ इसको। खैर अभी हम इसका सैडल इसको पहना देते हैं। किधर का सैडल? मैंने इसकी बैकपैक में डाल दिया। इसके जाना पड़ेगा, कहाँ पे जाना पड़ रहा था भाई, मैं भूल गया सैडल कैसे, अच्छा तो यहाँ से लगाते इसको, इक्विपमेंट ने कर दिया सैडल। ओके तो हम गाइस अभी इसका राइड भी कर सकते हैं और ये काफ़ी अच्छा फूड फार्म करता है। अभी चढ़ जाए इसके ऊपर भाई, इसका लेवल अप तो नहीं आया, बाद में आ जाएगा जब। ओ भाई ये क्या आ रहा है यार, यार ये हिल क्यों नहीं रहा भाई, हिल भी जाए। अरे यार पत्थर के अंदर फंस गया क्या, पत्थर तोड़ना पड़ेगा। ओ भाई इतनी स्पीड में कहाँ जा रहा है, मेरे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है भाई, मैं कंट्रोल नहीं कर रहा, ऑटोमेटिकली जा रहा है यार, क्या हो रहा है ये। अच्छा तो गाइस ये इसका अटैक था यार, जो कि स्पीड में दौड़ के ये इसके सामने जो भी चीज़ आता है ना, पेड़ पौधा ये सबको तोड़ते हुए जाता है। मेरे ख्याल से मैंने गलती से उसको करने के लिए बोल दिया था, तो जो भी हो अभी हम ले चलते इसको अपने बेस में। बट ये तो काफ़ी ज़्यादा धीरे चलता है और इसका स्टैमिना तो भाई पूछो मत, हर 2-2 सेकंड में इसका स्टैमिना ख़त्म हो जाता है। इसका स्टैमिना का कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा, स्टैमिना कोई अपग्रेड करना पड़ेगा जब इसका लेवल आएगा, और कुछ अपग्रेड नहीं करेंगे। ओ भाई ये देखो स्टैमिना इसका दोबारा से ख़त्म होगा। भाई इतनी ज़्यादा रात हो गया, अभी जल्दी से मुझे घर भी जाना है यार। एक तो यार ये इतने ज़्यादा स्लोली चलता है ना भाई, देखो कितना स्लोली स्लोली ये चलता है। ऑल राइट गाइस, तो लास्ट टाइम यार मैंने अपने डायनो को रास्ते पे छोड़ के दौड़ के चला गया था अपने घर पे सोने के लिए। तो अभी दिन हो चुका है, मैं आ गया हूँ अपने डायनो को लेने के लिए, इसका पीठ पे मैं बैठ जाता हूँ। अभी ज़रा इसका पावर टेस्ट कर लेते हैं, वैसे तो देखने में काफ़ी ज़्यादा सही लुक आ रही है भाई इसके साथ। ओ भाई एक हिट पे इसने पूरा का पूरा पैर गिरा दिया यार, और अभी देखो ये पैर के साथ साथ ना इसके आसपास की जो भी जितनी भी चीज़ें वगैरह है, बेरिस को या पैर को आसपास की, सब कुछ उड़ा देता है ये भाई। काफ़ी ज़्यादा सही डायनो है फार्मिंग के लिए, बहुत सही ये फार्म करता है वुड वगैरह। अभी देखो यहाँ पे ये देखो भाई ये सब कुछ उड़ा दिया बिल्कुल भैया, बहुत सही यार। इसको जंगल में लाया हूँ मैं टेस्ट करने के लिए बड़े बड़े ट्रीज को, ये देखो भाई एक हिट पे ही चाहे कितना भी बड़ा ट्री हो ये गिरा देगा, पूरा गिरा देगा भाई चाहे जो आए, एक हिट पे ही ख़त्म सीधा। ये देखो इसको ये मारा, ये सीधा गिर गया ये ट्री, इसको भी मारा ये भी गिर गया। तो इसी टाइप से हम फार्मिंग करेंगे भाई, बहुत सही फार्म करेंगे, उसके बाद अपने बेस को हम बनाएंगे काफ़ी अच्छे से वुड से, बिल्कुल बढ़िया सा बेस बनाएंगे भाई तगड़ा वाला। एक बार ना आप ज़रा इसकी अटैक भी देख लो, इस अटैक से वुड फार्म करना भी काफ़ी ज़्यादा सही है। अरे हुआ नहीं, रुक जाओ ये रहा एक्टिवेट, और अभी चल 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 स्टार्ट कर दें भैया, आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। ओके तो अभी देखो भाई ये कितना स्पीड में आगे जाता है दौड़ते हुए, और सामने की तरफ जो भी चीज़ आता है भाई सब कुछ ये उड़ाते हुए जाता है, और सब कुछ कलेक्ट भी हो जाता है, ऐसे नहीं कि बस उड़ जाता है। ओके तो साफ हो गया है पूरा, तो इस टाइप से। लेकिन यार इसका एक ही दिक्कत है सबसे बड़ी, इसका स्टैमिना का, एक बार अटैक करोगे पूरा स्टैमिना ख़त्म। अगर आप थोड़ा सा भी चलोगे 2 मिनट भी नहीं चलता भाई, 2 मिनट तो वैसे भी नहीं चलता, मतलब 10 सेकंड भी नहीं चलता ये, उससे पहले ही इसका स्टैमिना ख़त्म हो जाता है काफ़ी जल्दी जल्दी। इसका स्टैमिना को अपग्रेड करके हमें स्टैमिना थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा इसका। ऑलराइट तो देखो भाई आपने सारे के सारे डायनो यहीं पे मैंने खड़ा करके रख दिया, इसके लिए मैंने अभी तक सेपरेट रूम वगैरह नहीं बनाए। वैसे अपने रहने के लिए तक झोपड़ी पे हम रह रहे, इनके लिए क्या रूम बनाएंगे यार। सबसे पहले अपने रहने के लिए एक अच्छा सा घर बनाएंगे, उसके बाद डायनोस के लिए घर वगैरह बनाएंगे। फिलहाल आज के वीडियो पे इतने था गाइस, आई होप आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।